हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पे मोर का पंख लगाते हैं। पूरे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मोर का पंख लगाया है, तो आखिर क्यों, ऐसी क्या वजह है कि हमेशा उन्होंने अपने माथे पर मोर का ही पंख लगाया? कौवे या बगुले का क्यों नहीं लगाया, मोर ही क्यों उन्होंने चुना? तो चलिए जानते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माँ सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं, तब वो चलते चलते जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक जाने की वजह से भगवान श्री राम और माँ सीता यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं। तो वहीं पास में भगवान श्री राम को मोर दिखाई देता है। वो एक नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है? तो ये मोर बोलता है, हाँ मुझे पता है, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो ये जो मोर है वही भगवान श्री राम और माँ सीता को रास्ता दिखाता है। और जब भगवान श्री राम और माँ सीता जंगल से बाहर निकल जाते हैं, तो ये मोर कहता है कि आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे? तो उस टाइम पे भगवान श्री राम के पास मोर को देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये एहसान मुझ पे तुम्हारा उधार रहा, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊँगा, पर अगले जन्म में जब द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण का अवतार लेकर जब इस धरती पे वापस जन्म लूँगा, तो ये एहसान मैं तुम्हारा जरूर चुकाऊँगा। तुम्हारा ये पंख मैं हमेशा अपने माथे पे धारण करूँगा और इसी प्रकार मैं तुम्हारे एहसान से मुक्त हो जाऊँगा। तो मोर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तो यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूरे द्वापर युग में अपने माथे पर मोर पंख धारण करते हुए रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख क्यों लगाया करते थे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम।